नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच में वर्ल्ड कप वुमेन का मैच नंबर 20। दोस्तों ये मैच कल की तरह इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट टेबल में आपको दिखाता हूँ, कल का दोस्तों जो मैच था वो दो तरीके से मैं बता देता हूँ आपको, नज़रिए से, दो नज़रिए से दोस्तों मैं देख रहा था यहाँ पे कि इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों अगर पाकिस्तान वुमेन कल जीत जाती मैच को, तो इंडिया वुमेन जो है यहाँ पे क्वालिफाइड, यहाँ पे दोस्तों इंडिया वुमेन क्वालिफाइड कर जाती 6 पॉइंट के साथ। लेकिन दोस्तों कल क्या हुआ कि कल पाकिस्तान हार गई तो इंडिया भी एलिमिनेट हो गई उनके साथ साथ। अब सेम टू सेम कंडीशन दोस्तों आज वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले मुकाबले में रहेगी कि दोस्तों इन दोनों ही के बाद दोस्तों देखो इंग्लैंड के पास तो है मौका, पूरा फुल फुल चांस है। अब दोस्तों यहाँ पे होगा ये कि अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाती है, ठीक है ध्यान रखना, अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाती है तो दोस्तों पॉइंट यहाँ पर आप देखो साउथ अफ्रीका के पॉइंट और वेस्ट इंडीज के पॉइंट, वेस्ट इंडीज के पॉइंट ज़्यादा है प्लस में। अगर दोस्तों आज वेस्ट इंडीज का मैच जीत जा वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाती है तो यहाँ पर दोस्तों 6 पॉइंट के साथ वो भी क्वालिफाइड कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जोन दोनों। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बड़ा मैच है और आज इस मैच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, इस मैच के लिए आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीमें कैसे बनाना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि 90% लोग ऐसे हैं जो हमारे दोस्तों वीडियोस को देखते हैं, हमारे वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें दोस्तों, और हमारे बेल आइकन को भी दबाते जाइएगा साथ में, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही हम अपने वीडियो पर अपलोड करते हैं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचते जाएँ। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले क्रिएट टीम पर जाना है आपको। दोस्तों आज क्या करना है, आज आप अलग अलग कॉम्बिनेशन मत बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो मैच रहेगा ना बहुत ही तगड़ा रहेगा, ठीक है। तो आज आप अलग अलग कॉम्बिनेशन मत बनाइएगा, आज दोस्तों आप प्लेयर रोटेट करिएगा टीमों में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखा दूँ दोस्तों यहाँ पे, भाई भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको डेली बेसिस में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टीमें प्रोवाइड कराता हूँ, और दोस्तों कंटिन्यू बेसिस पर हम लोग विनिंग भी करते हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फटाफट से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और दोस्तों हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है, 50 हमारे टेलीग्राम चैनल ही है, जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी सिर्फ बस। बाकी दोस्तों अगर किसी और जगह से जाकर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर दोस्तों आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर आपका लॉस होता है या फिर दोस्तों आप गलत तरीके से कहीं पर दूसरी जगह भी पहुँच जाते हैं तो भी। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको एमी जोनास को यहाँ से पिक करना है, ठीक है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से दोस्तों आपको सराज टेलर को या फिर मियाँ बाउटर को तो मत करिएगा, सराज टेलर को आप यहाँ से पिक करिए, क्योंकि सराज टेलर बॉलिंग भी करवाएगी। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से आप इधर से इनको सबको आपको रखना है, ठीक है, चार ऑलराउंडर रखने। उसके बाद दोस्तों आपको बॉलिंग सेक्शन से रखना है 5 बॉलर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बॉलिंग पिच हो रही है धीरे धीरे और विकेट भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अब आपकी एक टीम बन जाएगी सबसे पहली, ठीक है। वो पहली और दोस्तों आखिरी में बोलूँगा, यहाँ से सी हेनरी को हटा दीजिएगा आप, मैं बताता जाता हूँ आपको, और आप यहाँ से डी कैप्सन या फिर एक एल एफ कैप्सी को ले लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा, अदरवाइज एल एफ कैप्सी को भी हटाकर यहाँ से आप एक इनका बल्लेबाज चुन सकते हैं, ठीक है, जैसे मियाँ बाउचर या डेनियल वाइट हॉक, ठीक है। इनको यहाँ से इस प्रकार से आप चुन लीजिएगा, इस प्रकार से आपकी एक टीम बन जाएगी। अब दोस्तों मैं बताऊँ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन रहने वाला है, नेट सीवर ब्राउनेट और हैली मैथ्यू। अपने पास दोस्तों सिर्फ ये दो ही ऑप्शन है अपने पास, मेरे भाइयों से भी दो ही ऑप्शन है अभी फिलहाल में, तो हम इनमें इनको ही कैप्टन वाइस कैप्टन कर। देखो दोस्तों यार यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनको ही हम कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलेंगे, क्योंकि 90% प्रोबेबिलिटी है कि यही दोनों बंदियाँ चलेंगी, ठीक है। तो हम या तो हेडली मैथ्यूज को कैप्टन या फिर नेट सीवर ब्राउनेट को कैप्टन रख देंगे, बाकी वाइस कैप्टन हम रोटेट करते जाएंगे। तो दोस्तों हमारी ये टीम नंबर फर्स्ट बन जाएगी, टीम नंबर फर्स्ट हमारी ये बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है कैप्टन, मैंने मान लीजिए यहाँ पे नेट सीवर हेडली मैथ्यूज को रख दिया, वाइस कैप्टन नेट सीवर ब्राउनेट को रख दिया, ठीक है। अब मैं वाइस कैप्टन क्या करूँगा दूसरी टीम के लिए, मुझे क्या करना है, तो दूसरी टीम भी आप देख लो। दूसरी टीम के लिए दोस्तों सिंपल सा, यहाँ से मुझे कॉपी करना है दूसरी टीम से, दोस्तों मुझे क्या करना है, एक प्लेयर को मुझे रोटेट करना है। तो अब मैं किसको रोटेट करूँगा वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा।
दोस्तों यहाँ से मुझे एक ऐसा प्लेयर फाइंड आउट करना है जो कि जिसको मैं हटा के उसको वो कर सकूँ, रोटेट कर सकूँ। तो दोस्तों लॉरान बेल का जो है 20% सिलेक्शन है, तो इनसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने का, तो इनको ही रोटेट करेंगे हम पे, ठीक है। तो यहाँ से इनको हटा के मैं यहाँ पे सराय के लिए इनको पिक कर लेता हूँ दूसरी टीम में, ठीक है। और यहाँ से वाइस कैप्टन चेंज करके मैंने वाइस कैप्टन मार लिया, डी डॉटन को बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं अपनी 5 या 6 टीमें बना लेता हूँ। फिर से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने इस टीम को कॉपी करा और फिर से दोस्तों यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोस्तों फिर से प्लेयर रोटेट करूँगा मैं। मैंने सारा ग्रेन को हटा के यहाँ पे लिंसी इसमें अगर खेलती है तो इनको बना दूँगा, अदरवाइज मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आकर यहाँ पे मैं डी गिब्सन को ले लूँगा। और वाइस कैप्टन फिर से यहाँ पे मैं चेंज करके सारा टेलर को मैं वाइस कैप्टन कर दूँगा। तो दोस्तों हमारी 3 टीमें बन जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से कॉपी करूँगा और दोस्तों फिर से कॉपी करके मैं फिर से यहाँ पर एक चेंजेस कर दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डी गिब्सन को हटा के आप सी हेनरी को या फिर ए एलन को पिक करूँगा, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं वाइस कैप्टन फिर से मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से अब सोफी स्केलेटन को वाइस कैप्टन बना दूँगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से कॉपी करूँगा एक टीम और बनाने में, पहले मैं बताता हूँ मैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ए एलन को हटाकर यहाँ से दोस्तों एक बैटर रख लेता हूँ बहुत नीचे क्रम का, यानी कि सोफी डंगली को रख लूँगा या तो मैं क्यू जोसेफ को रख लूँगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी टीम बनेगी। अब दोस्तों हम इसमें कर क्या सकते हैं बताऊँगा आपको। अब दोस्तों हम इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन पर थोड़ा सा खेल सकते हैं, मतलब कैसा खेल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया एक टीम में, ठीक है। टीमें तो मेरी बनी चुकी है सारी, दूसरी टीम में मैंने मान लीजिए इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन पर खेल कर हम अपनी 5 से 6 टीम ऐसी क्रिएट कर सकते हैं बढ़िया अच्छी अच्छी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, कॉम्बिनेशन पसंद आया हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँ, आज बहुत सारे मैच आने वाले हैं शाम के समय। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।